हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले सोमवार की। और मेरी हो चुकी है मंदिर जाने की तैयारी। मैं मंदिर जा रही हूँ। आज फास्ट है और सूरज का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। और घर की पूजा मैं कर चुकी हूँ और मंदिर के लिए बस निकलने वाली हूँ मंदिर के लिए। तो मेरी तैयारी हो चुकी है, बस अभी थोड़ा सा एक दो चीज मंगानी है। तो अभी सूरज रेडी हो रहे हैं तो लेके आएंगे दूध और दही। मतलब दूध तो है पर बॉईल किया हुआ है, कच्चा चढ़ाते हैं शायद, तो इसलिए दूध मंगाना है, दही मंगाना है और बस फिर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। सूरज आ चुका था दही और दूध लेके, और बेलपत्र हमारे मतलब बिल्कुल पास में नहीं है कहीं। तो सूरज थोड़े से लेट उठते हैं और फिर तो आप जानते हो कि जल्दी तो मिलती नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, और ये मैंने पंडित जी के मुँह से ही सुना था, तो मैं क्या करती हूँ मंदिर से ही लेती हूँ और धुल के फिर उसी को यूज कर लेती हूँ। और कई लोगों के मैंने मुँह से ऐसा सुना है कि आप ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने मतलब की तैयारी जो भी रह गई थी, और बस हम लोग निकल गए। और पास में ही मंदिर है तो बस मंदिर में पहुँचे, और वहाँ पे छोटा सा मंदिर है, स्पेस जो है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है अंदर, तो उसमें 3-4 लोग ही मतलब बैठ पाते हैं, कर पाते हैं पूजा। तो उसमें 2-3 लोग पहले से बैठी हुई थी। फिर मैंने 5 मिनट वेट किया, और उसके बाद अगर मैंने सोचा मैं ऐसे वेट करती रहूँगी तो करती ही रहूँगी। फिर मैंने फटाफट से जो है पूजा की और घर आ गई। सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा। फिर कपड़े चेंज किए और फिर मैंने केले खाए मैंने और सूरज ने। फिर आराम से मैं बैठी थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैंने बनाया मैंगो शेक। और सच में इतनी भयंकर गर्मी है कि बिल्कुल भी कपड़े नए पहनने का मन ही नहीं हो रहा है। बस मैं घिसे पिटे कपड़े पहन रही हूँ और ये उन्हीं में आराम मिल रहा है। वहाँ से आके मैंने फटाफट से मतलब जो है जो अपना घिसा हुआ सूट था बिल्कुल उसको मैंने पहना, तब जाके मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा आम डाला है, क्योंकि मुझे 2 गिलास ही बनाना था तो एक बड़ा आम ही काफ़ी था। और 3-4 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि आम अपने आप में ही मीठा होता है। और 1.25 गिलास दूध ऐड किया था। और मैंगो शेक हमारा बनके रेडी हो चुका है और उस बस मैं सर्व कर रही हूँ, यानी कि देने जा रही हूँ सूरज को। खुद भी एंजॉय करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूँगी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हमने मलाई से गार्निश कर दिया था, मलाई से और बादाम से। तो बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं अच्छा लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती हूँ। आप पहले से काजू वगैरह भिगो सकते हो, उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, और इलायची पाउडर नहीं था हमारे पास। और टेस्टी बना था, अच्छा बना था। फिर उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, सो के उठी, अपने कपड़े फैलाए, तो आपको कपड़े फैलाने से पहले जो कपड़े पड़े हैं उनको उठाना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, और ये काम बड़ा मतलब उसका लगता है, उठाना और फोल्ड करना। तो ये सब काम करने के बाद, काफ़ी काम कर लिया मैंने, उसके बाद फिर हमने किए आलू फ्राई और चाय बनाई। आलू फ्राई और चाय एंजॉय करने के बाद फिर हमने बर्तन धुले, चाय के थे, मैंगो शेक के थे, और जो भी मतलब खाया पिया था सभी के थे। बाकी दोनों लोगों का फास्ट था, खाना पीना तो बना नहीं था। तो सारे बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर मैं थोड़ा सा छत पे गई, छत पे अपने पौधों से डेली मैं मिलने जाती हूँ, देखती हूँ पानी यानी तो नहीं चाहिए, चाहिए होता है तो देती हूँ, नहीं तो देखिए
आप अगर पौधे लगाते हो तो उनकी केयर भी, मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ उनसे डेली उनके पास जाना, मिलना, देखना और मतलब पानी देना, अगर कोई घास वगैरह उगाई है उसको हटाना, बस 5-10 मिनट का टाइम तो डेली मैं देती ही हूँ। और इसलिए अब मैंने थोड़ा सा पौधे वौधे लगाना थोड़ा सा कम कर दिया है जब से दीक्षा नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, और आप टाइम अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर ज़्यादा आपको लगाना भी नहीं चाहिए। फिर रात को बनाई हमने ये साबूदाना की खिचड़ी, एंजॉय की, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। बाय बाय, थैंक यू।